हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये एक नया तरह का रोजगार अभियान है जो माइग्रेंट लेबरर के लिए शुरू किया गया है और ये बहुत गंभीर समस्या एक तरह का है। ग्रामीण क्षेत्र में जो माइग्रेंट लेबरर लौट रहे हैं उनको रोजगार प्रदान करने का एक स्कीम है, अभियान है, तो इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सब जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसका पर्पस होता है कि हर वीडियो से आपको एक दो प्रश्न रहे, अगर प्रश्न नहीं लड़े आपका तो फिर उसका कोई आपसे मकसद नहीं रह जाता है। तो इसी तरह से वो सब चीज को मैं कवर करने का प्रयास करता हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपका एक प्रश्न जो है उसे जरूर रहे। तो जैसे मान लीजिए कि आपसे प्रश्न पूछ दे कि झारखंड के कितने जिलों में जो है ये योजना शुरू की गई है, तो अगर आप जान रहे हैं तो बना पाइएगा। तो 3 डिस्ट्रिक्ट कवर होंगे इसमें, जैसे सबसे अधिक माइग्रेंट लेबर लौटे हैं गिरिडीह में, फिर उसके बाद हजारीबाग और फिर गोड्डा, तो 3 जिले जो है झारखंड के इसमें कवर होंगे। तो इस तरह से पूरे इंडिया में जो है इससे आपसे प्रश्न पूछेगा कि अभियान जो है कब लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कौन सा गाँव से किया गया, कौन सा जिला से किया गया, इसमें कितने जिलों को शामिल किया गया है, कितने राज्यों को शामिल किया गया है, टोटल कितना इस पे जो है एक्सपेंसेस आएगा, ये जिलों का चयन जो 116 किया गया है उसका आधार क्या है, तो ये सब बहुत सारा चीज इसमें जानने को है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आप देखिए, जैसे करेंट अफेयर्स लिखा हुआ है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, तो अब इसमें सबसे पहले प्रश्न पूछेगा कि ये गरीब कल्याण जो अभियान है इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा। तो प्राइम मिनिस्टर जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया 20 जून 2020, मतलब ये 2020 ही सब कुछ दिख रहा है आपको, 20 जून को लॉन्च किया गया 2020, तो ये चीज हो गया। फिर उसके बाद से पूछेगा कि फ्रॉम वेयर, कहां से लॉन्च किया गया, तो सबसे पहले विलेज पूछेगा, तो विलेज का नाम है तेलीहार, तेलीहार जिला से इसको लॉन्च किया गया। फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तेलीहार, तो तेलीहार जो है वो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सुने होंगे खगड़िया डिस्ट्रिक्ट जो है भागलपुर के बगल में है। और फिर उसी तरह से स्टेट कौन सा, तो स्टेट हो गया बिहार, तो बिहार के खगड़िया जिले के तेलीहार गांव से इसको वर्चुअली लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री वहां गए नहीं थे बल्कि ऑनलाइन जो है इसको लॉन्च किया गया। अब इसमें कितना फंड एलोकेट किया गया है, ये टोटल अभियान पे खर्चा आएगा 50,000 करोड़, तो 50,000 करोड़ रूपये जो है इसमें खर्च किया जाएगा, 50,000 करोड़ रूपया। फिर इसके बेनिफिशरी जो है कौन होंगे, किन लोगों को इसका जो है लाभ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, तो जो रिटर्निंग है, जो लौट रहे हैं, जो माइग्रेंट वर्कर है, जो प्रवासी मजदूर है और जो ग्रामीण सिटीजन है, उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा। देखिएगा 6.7 मिलियन जो है माइग्रेंट लेबरर जो है लौटे हैं अपने गांव की ओर, तो उनको जो है रोजगार प्रदान करने का एक अभियान है। और इसमें कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा, तो इसमें रोजगार आपको प्रोवाइड किया जाएगा 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा, जैसे मनरेगा में 100 दिन का दिया जाता है, तो इसमें 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा, मतलब 4 महीने के लगभग। तो 4 महीने का जो रोजगार आप देंगे, तो अगर मान लीजिए कि ये लॉकडाउन का प्रॉब्लम आगे खिसकता है और फिर तो फिर इसको और भी बढ़ाया जा सकता है, अभी तत्काल इसको 4 महीने के लिए 125 दिन के लिए लॉन्च किया गया है, जबकि मनरेगा 100 दिन का होता है, तो 1 साल का में 100 दिन का गारंटी का अभियान होता है। फिर इसमें जो है कवरेज कितना है, तो इसमें 6 राज्य को कवर किया गया है, ये पूरे इंडिया के लिए ये योजना नहीं है, बल्कि 6 जो स्टेट्स हैं जहां के माइग्रेंट लेबरर ज्यादा है, उन्हीं 6 राज्यों को कवर किया गया है, तो उनमें से भी 6 राज्यों के 116 जिलों का चयन किया गया है, और इन जिलों के चयन का आधार सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट किया गया है, हैव अ मिनिमम ऑफ 25,000 रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर, अगर कोई जिले में मिनिमम 25,000 जो है माइग्रेंट लेबरर आए हैं, तो उस आधार पे उस जिले का चयन किया गया है। तो ऐसे जिलों की संख्या 116 है जहां 25,000 से अधिक माइग्रेंट वर्कर वापस आए हैं अपने गाँव की। तो इस तरह से ये जो 6 राज्य है वो कौन कौन से है, तो सबसे बिहार है, फिर उसी तरह से यूपी है, फिर एमपी है, फिर राजस्थान है, फिर ओडिशा है, फिर
फिर झारखंड है, तो झारखंड के 3 जिले, तो ये सब जो है जैसे बिहार से सबसे अधिक 32 जिलों का सिलेक्शन किया गया इस अभियान के लिए, फिर यूपी का 31, फिर एमपी का 24, फिर राजस्थान का 22, फिर ओडिशा का 4 और फिर झारखंड के 3 जिलों का चयन किया गया है। तो झारखंड में 3 जिले हैं, गिरिडीह, हजारीबाग और गोड्डा। अब इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो ये 116 में 27 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो होते हैं जो सोशियो इकोनॉमिक जो है बहुत ही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उनको बोलते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो उसमें ये तीनों झारखंड के जिले उसमें भी शामिल है, मतलब ये 27 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में झारखंड के 3 जिले शामिल है। तो इस तरह से ये जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा अभियान। तो इसमें क्या किया जाएगा, तो 25 टाइप्स ऑफ वर्क को रूरल एरिया में 25 प्रकार के 25 प्रकार के कार्यों का इसमें चयन किया गया है। तो 25 प्रकार के कार्यों का चयन किया गया है, तो उसमें जो है और उसके माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो इसमें क्या क्या काम है, तो मेनली जैसे ग्राम पंचायत भवन का निर्माण करना, आंगनबाड़ी जो सेंटर होता है उसका कंस्ट्रक्शन करना, फिर कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स को कंस्ट्रक्ट करना, फिर वेल पॉइंट कुआं और तालाब बनाना, फिर प्लांटेशन का काम करना, वृक्षारोपण का काम करना, फिर जल जीवन मिशन के तहत जो काम किया जाता है वो करना, फिर हॉर्टिकल्चर, फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सड़कों का निर्माण। तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट के माध्यम से लोगों को रोजगार प्रदान करने का काम किया जाएगा। तो फिर इसमें पार्टिसिपेंट जो मिनिस्ट्री है, तो देखिएगा ये कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का ये अभियान नहीं है, बल्कि इसमें 12 जो है मिनिस्ट्री पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। तो इसमें जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, फिर पंचायती राज मिनिस्ट्री है, फिर उसी तरह से रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे जो मिनिस्ट्री है वो इसमें इन्वॉल्व है, फिर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का जो मंत्रालय है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, फिर माइंस, एनवायरमेंट, रेलवे, ये सब जो है विभाग इसमें शामिल है। तो कोई सेपरेट ये स्कीम नहीं है जिसके माध्यम से कोई अलग से ये डिपार्टमेंट के द्वारा संचालित किया जा रहा, बल्कि बहुत सारे विभागों के जो कार्य चल रहे हैं उन्हीं कार्यों में से इसका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस तरह से अब इसमें जो है जो वर्कर होंगे उनको वेजेस कितना दिया जाएगा, तो देखिए मनरेगा में जो है 202 रुपी वेजेस दिया जाता है, तो उसी के आसपास इसमें भी वेजेस मिलेगा। इसका कोई स्पेसिफिक ये नहीं बताया गया कि इतने इसमें वेजेस दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उसको मैं रखने का प्रयास किया गरीब कल्याण रोजगार योजना के माध्यम से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।